ब्यावर जिला प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई है। शहर के मिशन ग्राउंड पर होने वाले ब्यावर जिले के प्रथम स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य तथा आकर्षक बनाने के लिए मिशन ग्राउंड पर स्कूली छात्र छात्राओं का परेड तथा शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन तैयारी गुरुवार से शुरू हुई। उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयारी कार्यक्रम में शहर के मार्च पास्ट में राजकीय पटेल स्कूल, एसडी स्कूल, बालिका छावनी ब्यावर, बालिका डिग्गी मोहल्ला स्कूल, बालिका शाहपुरा मोहल्ला स्कूल, जैन गुरुकुल स्कूल, मोहम्मद अली स्कूल तथा केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इसी प्रकार पीटी प्रदर्शन की तैयारी में बालिका छावनी, बालिका डिग्गी मोहल्ला, बालिका शाहपुरा मोहल्ला, ऑक्सफोर्ड ग्लोरी स्कूल, गोदावरी बालिका स्कूल, चांगेट स्कूल तथा कैप्टन पब्लिक स्कूल के बालक तथा बालिकाएं भाग ले रही है। मिशन ग्राउंड पर शुरू हुई तैयारियों को लेकर पटेल स्कूल के एनसीसी ऑफिसर मुकेश प्रजापति तथा देवानंद सहित अन्य शिक्षक विद्यार्थियों को परेड तथा शारीरिक व्यायाम की तैयारी करवा रहे हैं। विद्यार्थियों को परेड के दौरान कदम से कदम मिलाते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने की तैयारी करवाई जा रही है। एनसीसी ऑफिसर मुकेश प्रजापति ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर शुरू हुए तैयारी कार्यक्रम में प्रशासन के निर्देश पर अधिकांश स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। एक या दो स्कूलों के बच्चे नहीं आए हैं, वो कल तक कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे। प्रजापति ने बताया कि हालांकि इस बार समय थोड़ा कम मिला है, लेकिन प्रशासन के निर्देश पर पहले से ही स्कूलों में इसकी तैयारियां करवाई जा रही थी, जिसके कारण कोई परेशानी नहीं होगी। प्रजापति के अनुसार तैयारी में परेड में 10 ग्रुप तथा शारीरिक व्यायाम में 22 ग्रुप भाग ले रहे हैं। परेड तैयारी कार्यक्रम के दौरान प्रशासन की ओर से मिशन ग्राउंड पर पेयजल तथा चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान विभिन्न स्कूलों की ओर से दी जाने वाली नृत्य, राष्ट्रभक्ति गीत, वंदे मातरम तथा सामूहिक जिम्नास्टिक आदि की तैयारियों शुरू कर दी गई है। साथ ही इसके लिए संयोजक भी बना दिए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व तैयारी का आज रिहर्सल विधिवत रूप से स्टार्ट हो गई है। इस तैयारी में अधिकतर विद्यालय जिनको सूचित किया गया था सभी को सूचित कर दिया गया है और आज अधिकतर विद्यालय पहुंच गए हैं। एक दो विद्यालय जो नहीं आए हैं वो निश्चित रूप से कल पहुंच जाएंगे। और इसमें हमारी परेड के 10 ट्रूप लगे हुए हैं और पीटी के रूप में भी 22 स्कूलें आ रही हैं और ये सभी स्कूलें आज करीब करीब अधिकतर विद्यालय आ गए हैं और कल पहुँच जाएंगे। और जो तैयारी है बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। हालांकि इस बार कम समय मिला, परंतु हमारी तैयारी पूर्व में से ही हम स्कूल से कर रहे थे। आम सूचना व्यावसायिक भूखंडों को भव्य नीलामी से क्रय करने का सुनहरा मौका। नगर परिषद ब्यावर द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2023 शुक्रवार को समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक ट्रांसपोर्ट नगर व्यावसायिक योजना के निम्नलिखित भूखंडों को ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया द्वारा विक्रय किया जाएगा। नाम योजना व आरक्षित दर, ट्रांसपोर्ट नगर व्यावसायिक योजना आरक्षित दर 7,242 रुपए प्रति वर्ग मीटर, व्यावसायिक भूखंड संख्या 24 से 28, क्षेत्रफल 4.5 मीटर गुणा 9 मीटर बराबर 40.5 वर्ग मीटर, प्रारंभिक बोली 25,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अमानत राशि 30,000 रुपये। अतः जो भी व्यक्ति उक्त नीलामी में भाग लेना चाहते हैं वो पोर्टल जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन कर ऑनलाइन अमानत की राशि जमा करवा कर ई नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के अनुसार की जाएगी। ई नीलामी की शर्तें पोर्टल पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पोर्टल पर देखी जा सकती है। आयुक्त नगर परिषद ब्यावर।